सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ अंतर्दृष्टि रेखा या चंद्र रेखा किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो आत्मा है वो बाहरी जगत के जितने भी पदार्थ या जो भी हमें दिखता है वो इन पांच इंद्रियों द्वारा ही महसूस किया जाता है, यानी कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जबान यानी जीवा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस, यानी कि आपका मन। मन सबसे ज़्यादा विकसित इंद्री है क्योंकि ये मन जो है, हमारा इंट्यूशन पावर जो है, ये अनलिमिटेड है, अनंत है। वह बिना आँख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना नाक के सूंघ सकता है और बिना किसी त्वचा में स्पर्श के अनुभव कर सकता है, बिना जिह्वा के यानी बिना जबान के रस ले सकता है, बिना पंख के हजारों मील उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है और वह भूत, भविष्य और वर्तमान का अनुमान भी कर सकता है। यह सब कैसे होता है, इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्यान अभी तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक ऐसे लोग हैं पृथ्वी में जो लोग बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत दूर की भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि कई साधुओं के अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी इंसान को देखकर ही बता दे कि उसका भूत, भविष्य, वर्तमान क्या है। तो हथेली में अगर चंद्र पर्वत यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा जो एरिया है, इस चंद्र पर्वत को इसलिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है अंतर दृष्टि रेखा या चंद्र रेखा के लिए, क्योंकि चंद्र जो है ये कल्पना का स्थान है जहां पर व्यक्ति बिना किसी आयाम के कुछ भी किसी भी दिशा में वो सोच सकता है और अपना जो थॉट प्रोसेस है या समझ लीजिए कि विचार करने की जो क्षमता है वो असीम हो जाती है। वैसे मुख्य रेखाएं जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बनी हुई हो और इस तरह से बुध की रेखा सीधी निकल रही हो, ठीक इसी के बगल से चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस तरह से सीधी निकले या यहां से कर्व लिए हुए हो या सिंपल चंद्र रेखा में इस तरह की रेखा बनी हो, तो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर यानी कि दूसरे के मन की बात को पढ़ने की गजब की क्षमता होती है। इसी के साथ यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर हो या चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस तरह से ऊपर की ओर उठकर मस्तिष्क रेखा में जाके कनेक्ट हो जाए, तो भी ऐसे व्यक्ति का जो अंतर मन है वो दूसरों के विषय में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, जान लेता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। कई बार लोगों को धोखा हो जाता है कि बुध की रेखा और चंद्र की रेखा एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में एक विषमता यह है कि बुध की रेखा हमेशा सीधी जाती है और चंद्र की रेखा में थोड़ा सा कर्व होता है। अगर ये रेखा टूटी फूटी हो तो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, व्यक्ति जो है अपना फोकस ठीक से नहीं कर पाता। अगर उसमें द्वीप हो तो व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी होती है। मतलब कि सपोज यहाँ पर अगर चंद्र की रेखा सीधी निकलती हो, पहले मैं इनको मिटा देता हूँ, चंद्र की रेखा इस तरह से टूटी फूटी आगे बढ़े इस तरह से, तो व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी होती है। मतलब उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अपने ही शरीर पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, दिमाग का कंट्रोल अपने शरीर पर नहीं रहता। यानी कॉन्शियस माइंड जब सो जाता है तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड मेन ब्रेन से यानी कि कॉन्शियस माइंड से सारा इन्फॉर्मेशन लेकर व्यक्ति को इतना हाइपर एक्टिव बना देता है कि वो नींद में ही चलने लगता है, नींद में ही बड़बड़ाने लगता है। अगर साथ में बहुत ही स्पष्ट इस तरह की चंद्र रेखा बने
साथ में बुध की रेखा भी बिल्कुल सीधी बने। मस्तिष्क की रेखा जो है सीधा, उसका झुकाव चंद्र पर्वत की ओर आ जाए या चंद्र पर्वत में आके प्रवेश कर जाए, और साथ में बीचों बीच यानी कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में स्पष्ट क्रॉस बने, या समझ लीजिए कि भाग्य रेखा इस तरह से ऊपर उठते हुए ऊपर गई हो और इसी के ऊपर एक इस तरह का क्रॉस बने, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो होता है अंतर्यामी होता है। इनको भूत भविष्य वर्तमान साफ दिखता है। ये अपने मन के अंदर इतना जबरदस्त कंट्रोल करते हैं कि वो किसी भी दिशा में गमन कर सकते हैं, किसी भी दिशा में जाकर किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। ऐसे लोगों को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखा बनती है कि नहीं। अगर बनती है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर फोकस करना है, तो आपके अंदर की शक्तियां भी जागृत हो सकेंगी, जिससे आप दूसरे के मन के अंदर की बात को समझ सकेंगे और उनको सही रास्ता दिखा सकेंगे। तो दोस्तों, ये था चंद्र रेखा या अंतर्दृष्टि रेखा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज को समझें और अपने लाइफ को बदल सकें। और दोस्तों, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।